हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अलैह बड़ा ताज आबाद को पूरे 100 साल हो रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अलैह ट्रस्ट द्वारा विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए पूरे भारतवर्ष से तकरीबन 1.5 से 2 लाख के आसपास श्रद्धालु आने वाले हैं। तमाम श्रद्धालुओं को सभी अच्छी सुविधा मिले, इस बात को लेकर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। नितिन गडकरी इन्होंने तत्काल सभी NIT के अफसरों को बुलाकर उन्हें निर्देश दिए। इस मौके पर ट्रस्ट के सचिव राजा भाई इन्होंने BCN समक्ष जानकारी दी। 100वां वार्षिक उत्सव आने जा रहा है, उसको साझरा करने के लिए यहाँ पर एक मीटिंग केंद्रीय मिनिस्टर साहब के घर पर रखी गई थी और उन्होंने एक निर्देश दिया NIT को कि भी जो भी काम बचे हुए हैं वो पूरे किया जाए उस आने के पहले। और महानगर पालिका को उन्होंने कहा है कि ये जितनी भी व्यवस्था है और आने वाले भक्तों के लिए सारी अच्छे तरीके से सुविधा होना चाहिए, पिंडाल अच्छे से लगना चाहिए, वहाँ की साफ़ सफाई अच्छी होना चाहिए, वहाँ पे पानी का स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, आने वाले भाइयों आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छे तरीके से जितनी अच्छे से अच्छी उच्चतम व्यवस्था की जानी चाहिए वो सब सारी चीज़ ताजाबाद शरीफ में होना चाहिए। ट्रैफिक को लेके भी वो सब बात हुई है कि रोड को कैसे डिवाइडेशन करने का और ट्रैफिक को कैसे डिवाइड किया जाए कि जो कि आने वाले भक्तों को किसी तरीके से परेशानी ना हो। इसी तरीके से हमने इस बार हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से और NIT की जानिब से के एक क्रीड़ा संकुल के अंदर में पार्किंग की व्यवस्था भी वहाँ पर उचित तरीके से की गई है और वहाँ पर सारी कैमरे वगैरह की सब सारी चीज़ों की व्यवस्था की है। आने वाले भाविकों के लिए 1 लाख 1000 लीटर की जो भी है आजू बाजू में सारी तरफ में टैंक की व्यवस्था की गई है। 5-5, 5-5, 10-10 हज़ार की टैंक लगाए, ऐसी 20 टैंक हमने वहाँ पर रखी गई है। और इसी तरीके से आगे जो जो प्रॉब्लम्स वहाँ पर जो पब्लिक के हित के आते हैं उसको सब सारे को अच्छे तरीके से व्यवस्था करने का काम जो है हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट करेंगी। विद्युत का एक जो बड़ा प्रश्न है कि वहाँ पर लोड शेडिंग का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए विद्युत के ऊपर में भी चर्चा हुई है। इसी तरीके से आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए जो टेंट लगाने का था महानगर पालिका के तरफ से, तो टेंट की भी व्यवस्था उनको बता के निर्देश दिया है।